गुड इवनिंग एवरीवन. सो वी आर बैक विथ आवर जूम सेशन एंड दिस टाइम द टॉपिक इज क्रैब एप्पल एंड दिस टाइम आवर गेस्ट स्पीकर इज नन अदर देन डॉक्टर समीर सर. समीर सर, वेलकम टू यू. एंड वी हैव आवर दादा डॉक्टर विपिन कक्कर. दादा, गुड इवनिंग, प्लीज स्टार्ट. गुड इवनिंग मैडम. मैडम, आज तो आप मेरे सिटी में मेरे घर मेरे क्लिनिक की विजिट लेने आने वाले थे. नहीं दादा, नहीं दादा, मैं नहीं आऊंगी. वो सिटी इतनी गंदी है दादा, और सब जगह कूड़ा करकट बदबू. मैं नहीं आऊंगी दादा वहाँ पे. आपके क्लिनिक में भी इतने मच्छर इतनी मक्खी है, मुझे बिल्कुल नहीं जगह अच्छी लगती वो दादा. मुझे पसंद मैडम आपसे. हाँ, आप भी सही कह रहे. वो आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके सोच आपका थॉट वो भी कुछ गलत राह पे जा रहा है. मैं खुद ये मेरे थॉट बदलना चाहता हूँ. मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे विचार बदल जाए, पर क्या करूँ, नहीं हो सकता ना. अब दादा, अब मेरे से भी नहीं हो पा रहा है. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आऊं वहां पे, लेकिन इतनी गंदगी दादा. फिर बार बार मेरे को हाथ धोना पड़ता है, मास्क होता है. मेरे को वहां पे पसंद ही नहीं है दादा आपकी, बहुत गंदगी है. मैं भी समझ गया, मुझे भी इसमें छूटना है. शायद इसमें हमें समीर सर हेल्प कुछ कर सकते हैं कि ये टाइम पे हमें क्या लेना चाहिए. अगर आपको बहुत अच्छा मींस क्लीनलीनेस बहुत पसंद है और आपको लगता है, जैसे आपको अभी लग रहा है कि आपके वहां तो सब कुछ गंदा है, तो आपको कोई क्लीनर चाहिए एक्चुअली, जो आपकी बॉडी को भी क्लीन करे और माइंड को भी क्लीन करे. मतलब वो ट्रक में जो क्लीनर होता है, ऐसा क्लीनर. देखो, मोबाइल में भी क्लीनर आता है, लैपटॉप में भी क्लीनर आता है, उसी तरह से एक माइंड के लिए भी हमारे पास एक क्लीनर तो है जो आपको क्लीन करके देगा. अच्छा, वो कौन सा क्लीनर है? जैसे क्लीनर का स्पेलिंग सी से शुरू होता है, ये भी सी से ही शुरू होता है. हाँ जी. तो हाँ, तो उसको क्लीन करके फिर हम वो दवाई लेंगे तो हम क्लीन हो जाएंगे, और आपसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता है. मुझसे बेटर? मैं तो मुझको भी बेटर नहीं जानता. तो अब ये डिसाइड करना है कि स्टार्ट कौन कर रहा है, दादा या समीर सर. हम तीनों मिलके स्टार्ट कर रहे हैं ना. तो जैसे समीर सर ने एक दो तीन बोल के दवाई का नाम बोल देते. हाँ, तो जैसे समीर सर ने बताया नहीं, तो हमारा जो ये क्रैब एप्पल है ना, उसको हम मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये मिस्टर क्लीन जैसा नाम है ना, वैसा ही उसका रिजल्ट है. अगर हमारे बॉडी में कोई चीज ऐसी है, हमारे माइंड में कोई चीज ऐसी है कि जिस जो हमको पसंद नहीं है, जिससे हम छूटना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्रैब एप्पल के बारे में सोच सकते हैं. तो जिसको हम गंदगी समझते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, और अपने माइंड और बॉडी से दूर करना चाहते हैं, मतलब ये क्रैब एप्पल तभी रिजल्ट देगी जब हम खुद चाहते हैं. अगर नहीं चाहते हम, तो ये रिजल्ट नहीं देने वाली. अगर समझो कि मेरे फेस पे पिंपल्स है, तो पिंपल्स कैसे लगेंगे अगली, तो मैं क्या चाहूंगा, पिंपल्स को दूर करना, एकने को दूर करना चाहूंगा. तो यहाँ पिंपल्स में, एकने में, स्किन डिसीज में क्रैब एप्पल सबसे अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि हर पेशेंट चाहता है उसका स्किन डिसीज, खुजली वाला, बर्निंग वाला, पेन वाला. लास्ट टाइम हमने चेरी क्लियर किया था, लास्ट टाइम हमने चेरी बताया था. हाँ, तो यहाँ क्रैब एप्पल बहुत अच्छा रिजल्ट देती है. एक बात और बताओ कि हम नफरत में होली लेते हैं, होली लेते हैं, तो यहाँ भी क्रैब एप्पल में आप छुपी हुई नफरत देख सकते हो, अपने पिंपल्स के लिए, स्किन डिसीज के लिए, अपने थॉट्स के लिए. तो होली के साथ जहां नफरत हो, वहां बिंदास क्रैब एप्पल को दे दीजिए. क्रैब एप्पल भी आलू जैसी है, किसी भी मेडिसिन के साथ मिक्स हो जाएगी. ठीक है, अब ये जब
गंभीर बीमारी है, एक इसका अलग सा पॉइंट क्या है कि ये बंदा गंदगी से नफरत कर। तो जो कोई गंभीर बाबत है या तो गंभीर रोग है उस पर ध्यान नहीं देगा, उसके बजाय वो आपके पास आके जो उसकी मामूली डिसीजन है उसका ही रहेगा। समझो कि मैं, मुझे अगर कैंसर है और जब आपके पास आऊंगा ना तो आप बोलेंगे ओके आप कैसा है आपके कैंसर का पेन वगैरह वगैरह, तो मैं कहूंगा ये कैंसर को छोड़ो, ये देखो मुझे यहाँ पिंपल हुआ है उसका कोई इलाज करो। तो क्रेब एप्पल का माइंड इस टाइप का भी है कि जो सीरियस मैटर है उस पे वो कम ध्यान देगा और जो सीरियस मैटर नहीं है नॉर्मल बात है उस पे ज्यादा ध्यान देगा। अब बहुत अच्छा रोल निभाती है, बस सते कि पेशेंट खुद उसको छोड़ना चाहता हो, अगर नहीं छोड़ना चाहता तो हमें कुछ और रेमेडी सोचनी चाहिए। बट अगर पेशेंट ये सब छोड़ने के लिए अपने माइंड से स्ट्रांग है, मजबूत है और छोड़ना ही चाहता है तो क्रैब एप्पल का रिजल्ट सुपर डुपर होता है। आगे चलते हैं कि जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि सब लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, कोई एक दूसरे से हाथ मिलाना नहीं चाहते थे, नमस्ते जी हाय हेलो करके शेक हैंड करना भूल गए थे सब, फिर कहीं बाहर गए घर आके हैंड वॉश किया, नहाया, कपड़े चेंज किए, तो ये सब क्रैब एप्पल के सिम्टम्स है। तो क्रैब जब कोरोना काल था तो हम क्या देते थे, आर्सेनिक आल, होम्योपैथी की आर्सेनिक आल, जो होम्योपैथ है वो देखेंगे कि आर्सेनिक आल के जो भी मेंटल सिम्टम्स है वो क्रैब एप्पल से एकदम से मिलते जुलते हैं। दूसरी क्रैब एप्पल की खास बात यह है कि क्रैब एप्पल किसी भी टाइप की साइड इफेक्ट को दूर कर देता है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एलोपैथिक हो या कुछ भी हो। तो क्रैब एप्पल का काम क्या है, क्लीन करना। क्या क्लीन करना, माइंड एंड बॉडी को। तो जब हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक जाती है तो हम जब जानते हैं कि वो कई बार बहुत सारा नुकसान करती है, वो टाइम पे क्रैब एप्पल लेने से वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जितनी भी एलोपैथी है जितनी भी एंटीबायोटिक है वो आराम से बॉडी से बाहर कर देगा। अब हम लोग ये कहते हैं कि क्रैब एप्पल कोई नुकसान नहीं करती, मानते हैं और सही बात भी है कि कोई नुकसान नहीं करती। प्रेग्नेंट लेडी को भी आप दोगे तो कोई नुकसान नहीं करती। बट यहाँ एक पॉइंट आप सोचिए कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है पर वो नहीं चाहती कि अभी बच्चा हो तो क्या होगा, वो नहीं चाहती, वो मन ही मन चाहती है कि बच्चा ना हो, बच्चा ना हो, तो यहाँ क्रैब एप्पल डेंजर रिजल्ट दे। आप लोगों को हर बार कहना पड़ेगा कि आप म्यूट रखो। लिंक ब्रेक हो जाती है। हेलो हेलो जी दादा बोलिए। हेलो हाँ दादा हाँ आवाज आ रही है। हाँ नेक्स्ट, आपने न्यू मॉम को देखा है ना जिसका छोटा सा बच्चा है, चाहे एक दिन का हो, एक वीक का हो, एक महीने का हो, उसका काम क्या होता है, खाना और निकालना, स्टूल पास करेगा, वोमिट करेगा। अब वो न्यू मॉम को ये पसंद नहीं है, जैसे ही साफ करती है उसको नोसिया या वोमिटिंग जैसा होने लगता है। यहाँ आपको क्रैब एप्पल बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। वो न्यू मॉम को आप क्रैब एप्पल देते रहो,
वो आराम से बच्चे को साफ करेगी, नहलाएगी, उसको न तो नौसिया होगा न तो वोमिटिंग होगी, ठीक है। आगे बताएंगे हमें हमारे रितु मैडम जी और हमारे समीर सर। समीर सर काइंडली स्टार्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू दादू। हाँ जी सर, जैसे दादू ने बताया कि ये ओवर एक क्लींजर है। ओवरऑल जब मैं बैच फ्लावर सीखना मैंने शुरू किया था दादू से, तब उन्होंने एक चीज ऐसी बताई थी कि ज्यादातर पेशेंट हमारे पास क्यों आते हैं वो पहले हमें देखना चाहिए, यानी मेडिसिन का सिलेक्शन कब होता है, पेशेंट क्यों आया है पहले। तो जैसे स्किन डिसीज के ज्यादातर पेशेंट आएंगे तो वो क्यों आएंगे, एक्जिमा हुआ है तो ये खराब दिख रहा है उसको निकालो, या पिंपल दिख रहे हैं उसको निकाल लो, सोरियासिस है तो जैसे दिख रहा है उसको क्लीन करो। यानी ज्यादातर स्किन डिसीज अगर हम देखते हैं तो उसमें पेशेंट हमारे पास आके जो फर्स्ट वर्ड बोलता है उसके ऊपर बैच फ्लावर हम काफी हद तक डिसाइड कर सकते हैं। जैसे चेरी प्लम का पेशेंट आएगा तो बोलेगा कि इतनी इचिंग आ रही है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आई। होली का पेशेंट होगा तो वो इतना होगा कि उसको ही अपने स्किन से इतनी नफरत हो गई होगी कि इतना खराब दिख रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उस तरह से प्रेजेंटेशन आएगा। क्रैब एकल का पेशेंट आएगा तो उसका क्या होगा, तो उसको यही होगा कि ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, आपको जो करना है करो, आपको जो मेडिसिन देनी है जिस तरह से करना है ये क्लीन करके दो। अभी क्लीन वर्ड प्रॉपरली पेशेंट शायद नहीं यूज करेगा, वो बोलेगा कि ये गंदा दिख रहा है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, या ये कोई देखता है मुझे पूछता है। जैसे मेरे एक पेशेंट है, सपोज इज नियर बाय 40 इयर्स, अभी 40 इयर्स में कभी एक आध पिंपल आ गया तो हम उसको नॉर्मल मानेंगे कि अभी उसको उतना स्किन कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। ही इज मैरिड, उसको बच्चा है, सब कुछ है, व्हाई ही इज सो कॉन्शियस, और वो भी मेल पेशेंट है। सो जैसे दादू ने बताया कि नहीं एक छोटा सा भी चीज है तो भी वो उसका मेन टारगेट या फोकस क्या रहेगा, ये जो दिख रहा है उसको क्लीन करो। तो 40 इयर्स मेल, मैरिड, बच्चा है, एक अच्छी पोजिशन में है, काम कर रहा है, एक छोटा सा पिंपल, इतना छोटा था कि मुझे नजदीक जाके देखना पड़ा, बट हिज मेन टारगेट कि ये क्लीन होना चाहिए। दिस इज क्रैब बेपल्स, वो फास्टिडियसनेस बोल सकते हो या ओसीडी ऑब्सेशन फॉर स्किन हो सकता है। तो एक मेडिसिन है ऑब्सेशन में, ओसीडी में, मैं बाद में बोलता हूँ, बट दे आर क्वाइट ऑब्सेस अबाउट द लुक, क्वाइट ऑब्सेस के नहीं ये एकदम क्लीन दिखना चाहिए। जो पेशेंट जैसे नियर बाय मेलेज्मा के पेशेंट्स आते हैं, तो मेलेज्मा के पेशेंट में उनको क्या होगा कि यहाँ पे जैसे दाग आना शुरू हुआ है तो वो एक क्लीन करने के लिए आई। तो मेलेज्मा में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज क्रैब एप्पल, क्लोएज्मा, मेलेज्मा हम डेफिनेटली बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर मेनोपॉज, तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। पर ओवरऑल जैसे दादू मेरा ये आलू जैसा है वो सभी के अंदर मिक्स हो सकता है। मेरा एक फ्रिक्वेंट प्रिस्क्रिप्शन या ऐसा बोल सकते हैं कि कॉमन प्रिस्क्रिप्शन इन स्किन डिसीजेस क्रैब एप्पल, पेशेंट ने जो भी आके बोला पर क्रैब एप्पल एक फिक्स प्रिस्क्रिप्शन मेरा ऑलमोस्ट हर एक स्किन डिसीज में हो गया है। या सेम उसी तरह से आप ये देखो कि एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, एक पेशेंट आया था मेरा, अभी तो कोरोना में हम मास्क पहन के आते हैं, वो उस टाइम पे पूरा मास्क पहन के आया था या पूरा ढका हुआ आया था। ये ढका हुआ क्यों है आपने, ये मुझे यहाँ पे पिंपल आया है, नियर बाय 20 ईयर ओल्ड बॉय, यहाँ पे पिंपल आया, कोई देख लेगा तो कैसा लगेगा, इसलिए मैं पूरा फेस ढक के आया हूँ। नाउ दिस इज ऑब्सेशन ऑफ क्रैब एप्पल, यानी उसको वो उतना भी पसंद नहीं है कि ये एक आया क्यों, इसलिए वो पूरा ढक के आया है। तो दिस काइंड ऑफ पीपल विल कम टू यू, जस्ट आपको वो ऑब्जर्व करना है एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि नहीं यहाँ पे क्रैब एप्पल आप इजिली दे सकते हो। दिस इज मोर ओवर आई हैव यूज इन स्किन डिसीज, और ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि मेरा हर रोज एक या दो प्रिस्क्रिप्शन स्किन का जो भी रहता है उसमें क्रैब एप्पल रहता ही है। यानी जो भी स्किन का पेशेंट आया क्रैब एप्पल, और हर रोज का एक या दो पेशेंट तो ऐसा रहता ही है जिसमें मैं क्रैब एप्पल यूज करता हूँ, एंड आई कैन गारंटी यू कि वो हेल्पफुल है और यूजफुल है। और मैंने बताया कि ये दादू का मैंने ऑलमोस्ट 10 या 12 साल पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हर एक पेशेंट में दो, और ऑलमोस्ट 12 सालों में मैंने हर एक पेशेंट को दिया है और हेल्पफुल रहा है। उनके A1 में भी यही है।
इवन में भी यही है. तो ओवरऑल ये एक फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था वो आज तक मुझे ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स में काम आया है. दूसरा ओसीडी के पेशेंट्स में, ओसीडी के पेशेंट्स में ये काफी हेल्पफुल है. यानी जैसे हम चेरी पम्प मानते हैं कि ओसीडी में आना चाहिए जो कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह के ओसीडी के पेशेंट को कैसा है, जैसे उन्होंने बताया कि हाथ धोने के लिए वो इतना फास्टिडियस है, बहुत क्लीनलीनेस चाहिए या कहीं पे भी धूल मिट्टी जमा नहीं होना चाहिए. मेरे वहां कुछ पेशेंट आते हैं तो वो चेयर को भी साफ करके बैठते हैं ना. आपको यहाँ पे बहुत कुछ फिर उसमें सोचना नहीं है, आपको वहां पे डायरेक्टली दे ही देना है चेयर भी. अभी आप क्योंकि क्यों साफ करते हैं, उसके आगे एक पेशेंट आके बैठ के गया है तो वो साफ करके बैठे. तो दिस आर अ काइंड ऑफ फास्टिडियस ऑफ अ पर्सन, काइंड ऑफ ऑब्सेशन ऑफ अ पर्सन. तो सभी ओसीडी के पेशेंट में भी आप इस तरह की मेडिसिन यूज कर सकते हैं विच इज गोइंग टू गिव यू अ गुड हेल्थ. ओसीडी आप देख लीजिए, फास्टिडियसनेस देख लीजिए. कुछ पेशेंट का जैसे ऑब्सेशन होता है कि क्लीनलीनेस एकदम क्लीन है. जो हमारी शुरुआत हुई कि मैडम ने बोला कि नहीं जहां पे भी थोड़ा सा भी गंदगी है मैं नहीं जाऊंगी, तो वो ओवरऑल क्रैब एप्पल पे जाएगा. उसका जो पेशेंट आएगा उसका क्लोथ भी आप देखोगे तो एकदम नीट एंड क्लीन होगा, अच्छी तरह से पहना हुआ होगा. जो आर्सेनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी रहता है उसी तरह से ये भी एकदम नीट एंड क्लीन चीजें पसंद करेगा. आप उसको जस्ट पूछोगे कि आपका नेचर कैसा है तो वो वही बताएगा कि उसको सब कुछ अपना डेस्क क्लीन चाहिए. मेरे कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं कि जैसे मैं ऑफिस पहुंचता हूँ उससे पहले अगर मेरे जो सबोर्डिनेट है या प्यून है उसने उसका डेस्क क्लीन नहीं किया तो वो उसका फायर कर देता है वहां पे. तो उस तरह के जो ऑब्सेशन रहते हैं ना क्लीनलीनेस, उसमें जैसे आर्सेनिक और वो सब कुछ आप कार्सिनोजन और वो सभी मेडिसिन जो आती है नेक्सोमिक आती है जो एकदम फास्टिडियस है, वहां पे आप क्रैब एप्पल को डेफिनेटली सोच सकते हो. कि जहां पे मिस्टर क्लींजर और या मिस्टर क्लीन उसको चाहिए ही चाहिए, ये उसका फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में. प्रायोरिटी क्या है तो वही है कितनी क्लीनलीनेस होना चाहिए या ओवरऑल उनका लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा. दूसरा अगर हम देखते हैं कि जैसे दादू ने एक चीज बोली कि जिनका ये है नशे की हैबिट्स है, यानी काफी लोग आते हैं कि जिनको स्मोकिंग है या अल्कोहल क्विट करना है, तो आप काफी बार नक्सोमी के साथ क्रैब एप्पल देते हो तो उनका ये छोड़ने का बहुत इजी हो जाता है. और एक चीज दूसरा जो रहता है उनको ये रहता है कि उनको छोड़ना है तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है, नहीं तो उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता है. वो भी एक बहुत साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज रहता है हमारे पास अगर पेशेंट सामने से आके बोलता है तो. मेन एक दूसरा जो क्लैब एप्पल यूज करने का ये रहता है, जब पेशेंट किसी भी चीज में ऐसा बोलता है कि नहीं ये चीज से मैं ये चीज को मैं क्विट करना चाहता हूँ, यानी वो किसी भी चीज को जैसे खांसी हो गई है या सर्दी हो गई है, एलर्जी, जैसे अभी एक पेशेंट मेरा आया था एलर्जी का था, उसको वेरिकोज वेन्स भी है साथ में, वेरिकोज वेन्स में उसको ब्लीडिंग हो रहा है, मेरे सामने वो ब्लीड कर रहा है, पट्टी नहीं बांध रहा है, पर उसका बेसिक क्या है कि नहीं मुझे तो ये चीज आप पहले छुड़ाओ, ये छींके जो आ रही है उससे मुझे पहले क्लियर करो, ये क्लियर होगा ये तो ब्लीडिंग तो ठीक है चलता रहेगा. जैसे जादू ने बताया कि नहीं कार्सिनोमा का पेशेंट है पर उसको पिंपल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, उसी तरह से उनका बेसिक ध्यान क्या रहेगा. मैंने बोला ये क्यों नहीं, तो ये कुछ दिखता नहीं है, ये छींके जो आती है वो तो सबको पता चल रहा है, इसलिए इसको पहले क्लियर करो. जो नाक से सर्दी आ रही है वो मुझे डिस्टर्ब ज्यादा कर रही है, ब्लीडिंग हो रहा है वो ठीक है उसको, पर ये जो नाक से सर्दी आ रही है पानी आ रहा है वो उसको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है. नाउ दिस इज क्रैब एप्पल बिकॉज दे वॉन्ट टू क्लीन दिस पर्टिकुलर एरिया, उसको वो नहीं चाहिए कि वो होना चाहिए. देयरफॉर सच काइंड ऑफ पेशेंट्स आर देयर, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है. वो बोल ही रहा है कि मैं क्रैब एप्पल मुझे दे दो, बट आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि वो कौन सी बात पे ज्यादा फोकस कर रहा है. पेशेंट जब बोलेगा तो उसका वर्ड या उसका जो मेन इंटेंशन है वो क्यों करना चाहता है, वो एक आपको उसकी तरफ गाइड कर देगा. ओके मैम, मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ. आपका मैम नहीं सर जी, सर जी एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं. आपने बताया कि पिंपल्स, एक पिंपल से वो बंदा पूरा फेस ढक के आया है. हाँ, तो मैं जैसे हर बार बताता हूँ कि मेंटल सिम्टम्स कभी अकेले नहीं आएंगे, एक के पीछे दूसरा टीपा मिलेगा. यहाँ आप देखो कि वो एक पिंपल्स के लिए पूरा फेस ढक के क्यों आएगा,
क्या वो डरता है कि ये पिंपल्स दुनिया को कैसा लगेगा? बेसिक वही है कि आइधर उसको जैसे बहुत ऑब्सेशन है अपने स्किन के लिए कि जैसे मेरा स्किन है वो एकदम ठीक दिखना चाहिए, तो वो जो ऑब्सेशन है यस डेफिनेटली वो ढक के आएगा उसको कई बार। जैसे सिलिशिया जैसा पेशेंट है, सिलिशिया को कैसा रहता है, दे आर क्वाइट इमेज कॉन्शियस। तो इमेज कॉन्शियस क्या करेगा, उसको अपनी इमेज की चिंता है कि कोई और देखेगा कि ये लड़का है, इसको ये हुआ है, या मैंने जैसे बताया एक 40 इयर्स मेल है, तो उसको दे आर क्वाइट इमेज कॉन्शियस। तो हर छोटी छोटी चीज में वो अपनी इमेज को देखेंगे, मेरी इमेज इसके सामने कैसा रहेगा, तो भी वो ढक के आएगा। कुछ रहते हैं कि जैसे उनके कुछ साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसमें वो डिल्यूजन्स में चले जाते हैं, जिसमें उनको एक फीलिंग आता है कि मेरा फेस अगली है, जो एक क्रैब एप्पल का सिम्टम है, डिल्यूजन, दे फील देमसेल्व्स अगली। सो वो भी एक क्रैब एप्पल, या हम मान सकते हैं कि उस तरह का प्रेजेंटेशन भी पूरा फेस ढक के आएगा। और तो अभी मेरा मानना है कि यहाँ एक डर भी छिपा है पेशेंट के माइंड में, तो क्रेब एप्पल के साथ यहाँ मिमुलस भी ट्राई कर सकते हैं। चेरी कंट्रोल के लिए, डर के लिए मिमुलस अच्छा रहेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। आगे थैंक यू समीर सर, दैट वाज सो नाइस। थैंक यू समीर सर। थैंक यू मैम। सो नाइस, इट्स सच अ वंडरफुल रेमेडी। सो वी सी दैट द क्रैब एप्पल इंडिविजुअल्स, दे हैव अ फीलिंग ऑफ कंटामिनेशन एज वेल एज एम्बैरेसमेंट। जैसा समीर सर ने कहा कि फेस ढक के आया है, तो वो इमेज कॉन्शियस के साथ साथ में भी दैट इज एम्बैरेसिंग फॉर हिम। सो इट्स अ फीलिंग ऑफ कंटामिनेशन एंड एम्बैरेसमेंट इफ दे आर एक्सपोज टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और एज सिंपल एज रिपल्शन टुवर्ड्स देयर अगेंस्ट देयर ओन सेल्फ, लाइक एज सिंपल एज सिली थिंग्स लाइक ओवर ईटिंग और लाइंग और इवन फिजिकल अपियरेंस, विच वी कॉल इट एज बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, because where they find themselves fictionally inflated or ugly, वो नहीं होंगे, but you know at times that's why we use that they find themselves inflatedly ugly or जैसे भी बोल सकते हैं कि बस कुछ नहीं है तो भी उनको लगता है कि नहीं मैं perfect नहीं हूँ। So crab apple individual, they may also find themselves troublesome or they may find themselves disgraceful, क्योंकि कैसा होता है, because any imperfection or ailment symptom, it is blown up in their minds because they are always worried, कुछ है या नहीं है, that's another thing, but अगर कुछ है तो भी वो इतना blown up है in their mind because you know they are over worried about कि एक पिंपल है तो भी इतना वरी, 40 ईयर का है एक पिंपल है तो क्या हो गया, बट द वरी ब्लोज अप इन द माइंड एंड हेंस दे लूज दैट पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज पॉजिटिवली मोर इम्पोर्टेंट टू देम, वो साइड में हो जाता है और एक अननेसेसरी थिंग उनके माइंड में ब्लोन अप हो जाती है एंड दिस एज अ रिजल्ट दे स्टार्ट फीलिंग होपलेसनेस, क्योंकि उनमें वो आ जाता है कि अब मेरा क्या होगा, ये लोगों को दिख जाएगा, तो दिस होपलेसनेस आती है, आइदर इट इज ड्यू टू द शेम और इवन अ साइन ऑफ टेरर, जैसे दादा ने बोला कि वो फियर भी हो सकता है तो मिमलस, सो इट कैन बी आइदर शेम और टेरर। शेम का इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मोलेस्टेशन, द पर्सन हु इज मोलेस्टेड, अब उसके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी कि नहीं अब तो मैं कॉन्टेमिनेटेड हो गई, जनरली गर्ल्स के साथ होता है कॉन्टेमिनेटेड हो गई मैं, गलती नहीं है उसकी, दे आर नॉट एट फॉल्ट, बट दैट गिल्ट एग्जिस्ट बिकॉज वी वेमेन एज अ गर्ल वी आर बॉर्न विद द फैक्ट वी हैव बीन टॉट कि भाई अगर ऐसा होता है, दीज आर ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज विच हैव बीन टॉट, तो वो मोलेस्टेशन के लिए ये बेस्ट होता है कि अगर नहीं भी है गलती तो भी दे स्टार्ट फीलिंग कि नहीं अब तो मैं कॉन्टेमिनेटेड हो गई, मेरा गिल्ट नहीं है, तो भी उसके दिमाग में ये चलता रहेगा। So these kind of shame or any kind of terror, because they are blown up in their minds. So at the same time, these individuals, जैसे कि just बताए, they are very cleanliness होता है ना disorder, OCD जिसे कहना चाहिए, anxiety disorder है ये भी, and I say we find this in ladies a lot, and especially housewife and especially 40 plus, क्योंकि overall भी housewives के पास कभी कोई ऐसा, बोलते हैं ठीक है घर बाहर संभाला, but जब बोलते हैं ना बहुत कुछ ज्यादा काम नहीं होता, we are so much preoccupied at our house, तो cleanliness और tidiness वो कब बीमारी बन जाती है वो हमें नहीं पता चलता है। so this is a ailment we consider ourselves
मतलब या तो कंटेमिनेटेड होगा या इम्परफेक्शन होगा, जो भी होगा इट इज जस्ट अ ब्लोन अप थिंग इन योर माइंड. सो दे आर दीज पीपल दे आर वेरी हार्ड टू प्लीज. इनको कितना भी समझाओगे इनको नहीं समझ में आती है बिकॉज दे आर इजिली डिस्ट्रेस्ड. इनके माइंड में अपनी ही धुन चलती रहती है एंड दिस गेट अगेन कि ये ज्यादातर नेगेटिव स्टेट में रहता है. अगर आप समझाने भी जाओगे तो वो नहीं, उनका नेगेटिव स्टेट इतना होता है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो द क्रैब एप्पल रेमेडी जो है ना दादा की J1 में भी है, A1 में भी है. सो इट इज लाइक आलू कि वो अगर दे दिया तो एक बर्डन जो होता है हार्ट के ऊपर, इट लिफ्ट्स अप दैट बर्डन फ्रॉम द हार्ट और वो इंसान को एक होलनेस फीलिंग आने लग जाती है. और स्पेशली जैसे तब अगर अगर फिजिकल अपियरेंस एक इंसान की अच्छी होती है, दिस इज विथ 110% विथ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, कि अगर वो फिजिकली अगर अच्छा दिखता है तो कॉन्फिडेंस इंसान का वैसे ही बढ़ जाता है. सो बेसिकली एक डिसऑर्डर टाइप है या कह सकते हैं कि हर चीज में जाएगी ये रेमेडी एंड दिस इज एक्चुअली अ वंडरफुल रेमेडी. मैं जैसे समीर सर कह रहे हैं, मैं भी आंख बंद करके सबसे पहले क्रैब एप्पल देती हूँ कि भैया जो है वो एक बार निकल जाएगा. सभी किसी ने पूछा इज इट वेरी हेल्पफुल इन कॉन्स्टिपेशन, सो आई एम जस्ट वंडरिंग दादा आप क्या जवाब देंगे इसका. हाँ तो ये आपने बहुत अच्छा कहा. मैं कहीं बाहर नहीं जाता, मैं किसी मेरे रिलेटिव के घर नहीं जाता. क्यों नहीं जाता कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. क्यों कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि मैं सोचता हूँ मैं समझता हूँ तो उसका वो वॉशरूम वो लेट्रिन वो डर्टी है, मैं जाने से डरता हूँ. मैं अगर ट्रेन में भी जाऊं तो यूरिन नहीं जाता, यूरिन पास करने को लिए नहीं जाता क्योंकि वो डर्टी है, ऐसा लगता है. क्रैब एप्पल सेंसेशन है, सेंसेशन की बेस्ट रेमेडी है. सेंसेशन मतलब भ्रम, पेन से ज्यादा पेन का एहसास. जब कोई बोलता है ना कि यार मेरे दांत में इतना दर्द है ना कि मुझे लगता है ये दांत में निकाल के फेंक दू, यहाँ क्रैब एप्पल आपको जादू सा असर देती है. जब कोई आके बोलता है कोई भी पेशेंट कि जो मोटा है तगड़ा है हेवी वेट है कि मुझे वेट कम करने के लिए कुछ दे दो ना, तो सबसे पहले माइंड में क्रैब एप्पल आनी चाहिए क्योंकि जो मोटापा है जो फैट जमा हुआ है वो पेशेंट समझता है कि डर्टी है, वो दूर करना चाहता है. पेशेंट आया ही इसलिए है कि उसकी बॉडी में जो फैट है जो ज्यादा वजन है उसको वो दूर करना चाहता है. तो आपकी होम्योपैथी डाइल्यूशन या तो मदर टेंचर के साथ जब आप क्रैब एप्पल देते हो तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. सर दादा ये क्वेश्चन था करुणा कटवानी से, क्रैब एप्पल इन लूजिंग वेट, वो जो आपने आंसर ऑलरेडी दे दिया. एक और क्वेश्चन है पूर्णिमा खन्ना, कैन क्रैब एप्पल बी यूज फॉर वेरिकोज वेन्स. समीर सर जनरली मैडम मैं डिसीज का नाम से ये नहीं जाना चाहूंगा. एग्जैक्टली मैं यही चीज समझाना चाह रही थी कि हम फिजिकल डिजीज के ऊपर ना जाएं. एज इट इज बिकॉज क्रैब एप्पल मीन्स इट्स अ सेंसेशन, इट इज ब्लोन अप इन द माइंड, बट हाउ वुड यू सजेस्ट सर. बेसिकली मैं वही बोलना चाहूंगा कि आप डिसीज के ऊपर मत जाइए. पेशेंट आपके पास आया क्यों है, जो मैंने पहले भी यूज किया कि फर्स्ट वर्ड जब मैंने सीखना शुरू किया था दादा से, तो दादा ने पहले मुझे वही बोला था कि पेशेंट आपके पास क्यों आया है वो पहले देखो और वो पहले क्या बोल रहा है. अभी वेरिकोज का पेशेंट आपके पास आया क्यों है, उसको पेन है इसलिए आया है, वो दिख रहा है वो जनरली वेरिकोज वेन्स, अगर आपने पहन के रखा है लंबा कुर्ता है ऐसा कुछ तो वो पैंट ऐसा कुछ पहना तो दिखने वाला तो नहीं है, तो उसको ऐसा कुछ है कि ये मुझे. हाँ जैसे दादू ने एक बात बताया कि पेन इतना ज्यादा हो रहा है और उसमें वो ऐसा बोल रहा है कि पेन की वजह से मैं आपके पास आया हूँ, वहां पे आप चेरी प्लम यूज कर रहे हैं पर उसको बोल रहा है कि नहीं इसको हटा दो यहाँ से, इसको किसी भी तरह से ये निकालो तो मैं अच्छी तरह से जी पाऊं. हाँ वो सेंसेशन अगर वो पेशेंट लेके आया आप क्रैब एप्पल सोच सकते हो, बाकी डिसीज के ऊपर आप क्रैब एप्पल सोचना चाहोगे नहीं, पॉसिबल नहीं है. स्किन के लिए मैंने जस्ट बोला उसका एक रीजन ये था कि ज्यादा स्किन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो उनको वही होता है कि स्किन डिजीज को क्लियर करो, इसलिए सबसे कॉमन मेडिसिन इन स्किन इज दिस. या सर्दी आती है तो काफी पेशेंट्स को वो जैसे वो फास्टिडियस है या ऑब्सेशन है उसको ऐसा रहता है कि गंदा है या
उसको ऐसा लग रहा है कि एलर्जी की वजह से रोज उसका वो रुमाल खराब हो रहा है, उसको रोज ये साफ करना पड़ रहा है, और वो सेंसेशन बोल रहा है कि इसको क्लियर करो, इसलिए वो कॉमनली हाँ वो एग्जैक्टली फिजिकल एलिमेंट के लिए नहीं है, वो साथ साथ में आपका मेंटल जो हो रहा है कि ये मेरे निकल जाए, वो मेंटल बैलेंस को बनाने के लिए है, ना कि फिजिकल फिजिकल के लिए तो आपको ऑलरेडी होम्योपैथी दी जाएगी, उसके साथ बैकफ्लोर दी जाती है ताकि मेंटल इमोशंस भी आपके कवर अप हो सके। सो नेवर आप ये मत सोचिएगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा या आपकी स्किन की बीमारी चली जाएगी। यस, आपके मेंटल इमोशंस बैलेंस होंगे तो वो जल्दी वर्क करेगी आपकी बॉडी पे। हर डिसीज के पीछे कोज देखो, कोज क्या है, क्यों होता है, कारण क्या है। और मैडम मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, तो जिससे बेच फ्लावर से कुछ लेना देना नहीं है, खास करके आपके लिए भी, सोनल मैडम के लिए भी, समीर सर के लिए भी। आपने महाभारत में अर्जुन का नाम सुना है, समीर सर? हाँ दादा। समीर, हाँ, अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। सबसे ज्यादा दुनिया याद किसी को रखती है? कृष्ण भगवान को, अर्जुन को नहीं, अर्जुन को। हाँ, तो मतलब आप तीनों जो है ना, आप तीनों मेरे अर्जुन हो। बात बात में दादा दादा मत किया करो, दादा कुछ भी नहीं है। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सिखाया नहीं होता तो अर्जुन नहीं होता। वो बात अलग है। नहीं, अर्जुन को अर्जुन बनाया किसने, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है ना दादा। अर्जुन अर्जुन को अर्जुन बनाया कृष्ण भगवान ने। ओके मैडम, देखो किसी का, ओके ओके ओके, देखो मैडम किसी का क्वेश्चन आया कुछ। हाँ, दादा एक क्वेश्चन आया है, वॉट्स के केस में क्रैब एप्पल के साथ और कौन सी देनी चाहिए रेमेडी, दे सकते हैं? जैसे आपके पेशेंट के या आपके सिम्टम्स को देखो, और वो रेमेडी आप क्रेब एप्पल के साथ मिक्स कर सकते हो। क्रेब एप्पल से क्रीम बना सकते हो, क्रेब एप्पल से ऑयल बना सकते हो, क्रेब एप्पल से लिनिमेंट बना सकते हो। किसी किसी डॉग में, किसी किसी डिसीज में क्रेब एप्पल का क्रीम जादू सा रिजल्ट देता है। यहाँ आप मुझे ये मत पूछना कि कैसे रिजल्ट देता है या किस चीज में देता है, बिकॉज मेरा भी फैमिली है। नहीं, बट एक चीज आई विल डेफिनेटली शेयर, मेनी पीपल हैव आस्क्ड कि एक क्रीम है कैलाश जीवन, विच आई यूज फ्रीक्वेंटली, नहीं विच आई यूज डेडिकेटेडली। मेरा हाथ जला था, दादा को पता है, आई हैव बर्न माय वेरी लेफ्ट हैंड और ये जला था, तो ये मेरा पूरा काला हो गया था। आई हैव शेयर्ड इट मेनी टाइम्स, लेकिन वो कैलाश जीवन के अंदर फर्स्ट टाइम तो मैंने जेवन डाला था ताकि ब्लिस्टर्स नहीं हो विदाउट वॉशिंग माई हैंड, और उसके बाद मैंने वो क्रीम में सिर्फ और सिर्फ A1 डाला था और कुछ भी नहीं डाला था, और वो मैंने कंटिन्यूसली 2-3 महीने लगाया था और वो अब बिल्कुल भी निशान नहीं है। तो या वो मेरा चला गया था, बट दैट मेंटल की ये मेरा ये चला जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं गया, पर वो निशान था इसलिए चला गया। तो वो क्रैब एप्पल, इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि वेरिकोज वेन्स में और इसमें, तो नहीं, वो ऐसे नहीं, वो मेंटल सिम्टम्स के हिसाब से काम करेगा। वी हैव अनदर क्वेश्चन दादा, एक है, मेलिस्मा में क्रैब एप्पल ओरल के साथ अप्लाई भी करना है क्या? हाँ, कर सकते हो, कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनफैक्ट दादा का A1 और जो J1 है ना, वंस इन अ वाइल, जब ऑफकोर्स व्हेन आई एम लिटिल डिस्टर्ब्ड, सबसे पहला मेरा डाइजेशन खराब होता है। So since it doesn't have a side effect, you can put in your navel also, just a couple of drops in the navel also, it works at times. So you have to be innovative, you have to be creative with it, that's about it. So seekhte rahiye, padhte rahiye, dheere dheere aapko khud ko samajh mein aa jayega how you can use it. Patient conscious hai, look ko keh raha hai, kindly please question it nicely because I can't read it like this. How to make a spray? I'm again saying, please, it is very creativeness. Do it as you please. अगर आपको सब remedies के बारे में पता चल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो you can make it on your own. How to
दादा वेरिकोज वेन्स के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट दादा फॉर वेरिकोज वेन्स और कॉन्टेक्ट समीर सर प्लीज. जॉब में बॉस को नहीं लाइक करता हूँ, सम हाउ ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम. तो क्रैब एप्पल यूज कर सकते हैं क्या? बॉस को नहीं लाइक करता हूँ मतलब बॉस की और नफरत है क्रैब एप्पल के साथ, हॉलीडे दीजिए और वॉलनट. हाँ वॉलनट, यस हाउ टू मेक दैट्स इट. A1 और J1 क्या है? वी हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स. J1 इज रेस्क्यू रेमेडी एंड क्रैब एप्पल. A1 में वॉलनट, वाइट चेस्टनट, क्रैब एप्पल एंड चेरी प्लम. प्लीज रिपीट हाउ एंड व्हाट टू अप्लाई ऑन नेवल व्हेन स्टमक अपसेट ड्यू टू स्ट्रेस. डिपेंडिंग आपको क्या प्रॉब्लम है. सोनिया जी पूछ रही है प्लीज रिपीट हाउ एंड व्हाट टू अप्लाई ऑन नेवल व्हेन स्टमक अपसेट ड्यू टू स्ट्रेस. मैडम आपने क्वेश्चन कर दिया पर आपका स्टमक क्यों अप्लाई है, आपके स्टमक में क्या है ये तो आपने बताया नहीं. क्यों स्टमक आपके अपसेट कौन से सिम्टम्स में, कौन से सिम्टम्स के देख के कौन सी रेमेडी ली ये भी आपने बताया नहीं, तो हम कैसे एंस दे सकते. सोनिया जी क्या स्ट्रेस है ये भी तो बताना पड़ेगा ना. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम विनीता. हाँ विनीता जी की तरफ से दूसरा क्वेश्चन है, फंगल इन्फेक्शन इन नेल्स में कैलाश जीवन में क्रैब एप्पल यूज करते थे. मैंने गलती कर दी क्या कैलाश जीवन बोल के, मुझे ऐसा फील हो रहा है. दादा एक क्वेश्चन है, फंगल इन्फेक्शन इन नेल्स कैलाश जीवन में क्या क्रैब एप्पल यूज कर सकते हैं क्या? जहां तक हो सके क्रैब एप्पल भी यूज कर सकते हो, बट